तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है, ये चीज पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और सबके सामने है, और इस चीज के लिए जिम्मेवार कौन है ये भी हमें पता है। कौन है जिम्मेदार, वही तो मैं कह रही हूं। कौन है बिहार में, ये गृह विभाग किसके पास है, सीएम साहब के पास है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा? नीतीश कुमार इस चीज के लिए पूरी तरीके से अकाउंटेबल है। जिस स्टेट के अंदर इस तरीके के हालात हों कि प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहां उस स्टेट का सीएम नेता जोड़ो अभियान पे निकल जाता है, अलग अलग स्टेट के नेताओं से मिलता है, वो प्रधानमंत्री बनने का मंशा प्राप्त करता है। पत्रकार की हत्या हो गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस पे चुप्पी साधे हुए, आखिर कब तक पत्रकार ऐसे मरे? जब तक जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप समर्थक हैं उसके कार्यकर्ता अपने नेता से सवाल नहीं पूछेंगे। ये यादव मरे हैं ना, ठीक है मैं जातिगत नाम ले रहा हूँ, यादव मरे ना, यादव कहाँ हैं? उनको तेजस्वी यादव से सवाल पूछने चाहिए ना। नहीं तो भाई साहब एक बात मुझे बताइए कि आपके रहते हुए तो हम सुरक्षित रहने चाहिए थे, आपके रहते हुए हम सुरक्षित क्यों नहीं? क्या बिहार की स्थिति कंट्रोल में नहीं आ सकती? बिल्कुल कंट्रोल में आ सकती है, आप ही ने तो कंट्रोल में की थी। 2005 से 10 का पीरियड याद कीजिए, बिहार में जंगल राज से मुक्ति मिली थी, आप ही ने की थी ना। क्यों? क्योंकि आपके पास तब पॉलिटिकल विल थी, आज आपके पास पॉलिटिकल विन नहीं है, आप एक नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ पत्रकार प्रभात रंजन मौजूद हैं। बिहार में पत्रकार की दिनदहाड़े हत्या हो गई है, उसके पहले एक दरोगा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सस्तक न्यूज़। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया और अपने इतने विशाल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभात जी पहला सवाल करेंगे कि पत्रकार को दिन दहाड़े उनके घर पर जाके बदमाशों द्वारा मार दिया जाता है, और इतना उनका मन आखिर कैसे बढ़ गया? मन कैसे नहीं बढ़ेगा जब पूरी की पूरी पुलिसिया व्यवस्था को आप एक ऐसे नाकाम काम में लगा देंगे जिस काम का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो फिर अपराधी बेखौफ होंगे ही होंगे। सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर का एक आंकड़ा दे देता हूं। 1 अगस्त 2021 से लेके 31 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा है ये। 1303 लगभग मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं। पत्रकार कितने? 1303 हत्याएं हुई हैं। देखिए पत्रकार हो या कोई सिविलियन हो, हत्या हत्या होती है। सर पत्रकारों के लिए हमारा रोष जागना उस फर्टिनिटी से है तो बहुत जरूरी है, लेकिन इन जनरल बात करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि पत्रकार यहाँ पे एक चीज साफ स्पष्ट है कि लगभग 7 मौतें प्रतिदिन हुई हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक सामने आए नहीं हैं। खबरों के लिहाज से देखें तो मैं मानता हूँ 2 गुना 3 गुना 4 गुना इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 7 से लेके हमने 28-30 तक का सफर तय कर लिया है, तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है ये चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और सबके सामने है, और इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है ये भी हमें पता है। कौन है जिम्मेदार, वही तो मैं कह रही हूं। कौन है बिहार में, ये गृह विभाग किसके पास है, सीएम साहब के पास है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा? नीतीश कुमार इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से अकाउंटेबल है। और नीतीश कुमार का, हाँ इस बात पर खंडन करती हूँ, आप कह रहे जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आते हैं नहीं लगता कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं अपना सही तरीके नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। जिस स्टेट के अंदर इस तरीके के हालात हों कि प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहां उस स्टेट का सीएम नेता जोड़ो अभियान पे निकल जाता है, अलग अलग स्टेट के नेताओं से मिलता है, वो प्रधानमंत्री बनने का मंशा प्राप्त करता है, वो एक नए अलायंस की फॉर्मेशन करता है, उस अलायंस का संयोजक बनाने की जिद करता है। बेसिकली सिंपल सी बात क्या है कि उसको लग रहा है कि उसके स्टेट में सब चंगा है, वो बिहार में पब्लिक से नहीं, लोगों से मिलने के लिए नहीं, अफसरों से मिलने के लिए 27 दिन के टूर पे निकल जाते हैं। लोगों से मिलने के लिए तो एक दिन एक कार्यक्रम रखते हैं। 27 डेज के वो टूर पे निकल जाते हैं, 27 दिन के टूर पे निकल जाते हैं। जैसे बिहार में सब कुछ बहुत बढ़िया हो रखा है, वहां पे लोगों से उनका जनसंवाद कितना होता है, ना के बराबर होता है। महाराज आप सीएम है, आपको अफसरों से मिलना है, सीएम हाउस बुला लीजिए, सीएम हाउस में बात कीजिए। और क्या बिहार की स्थिति कंट्रोल में नहीं आ सकती? बिल्कुल कंट्रोल में आ सकती है, आप ही ने तो कंट्रोल में की थी। 2005 से 10 का पीरियड याद कीजिए, बिहार में जंगल राज से मुक्ति मिली थी, आप ही ने की थी ना। क्यों? क्योंकि आपके पास तब पॉलिटिकल विल थी, आज आपके पास पॉलिटिकल विन नहीं है, आप एक नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। वो बिल्कुल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और
सिंपल सी बात है, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुख्यमंत्री बने रहना है। तो इस बात से नकारते? अरे उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे इस साइड में आके चाहे उस साइड में आके। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एक दफा नहीं कई दफा 180 डिग्री पर टर्न ले चुके हैं, 180 डिग्री पर। पहले वो जंगल राज के खिलाफ बात करते थे, आज वो जंगल राज के साथ हैं। बड़ी बात ये नहीं है, आपने तेजस्वी का प्रश्न किया कि चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत साथ चलती है, तो तेजस्वी यादव का भी तो येन क्रेन प्रकारेन एक ही लक्ष्य है कि उन्हें भी सत्ता में बने रहना है, सत्ता का सुख भोगना है। तो मैं कह रहा हूं कि किसी एक बंदे को ढंग से सत्ता का सुख भोग लेने दो, कम से कम एक व्यक्ति तो अकाउंटेबल हो। आप नीतीश कुमार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाल नहीं रही हैं, तेजस्वी यादव को आप अकाउंटेबल बनाना चाहती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास वो विभाग ही नहीं है, तो वो अकाउंटेबल होंगे कैसे? तो हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम बना दीजिए ना, बना दीजिए, कम से कम एक बंदा तो अकाउंटेबल हो। नीतीश कुमार नेता जोड़ो अभियान पर निकले, तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कैसे लेंगे? उनका उनका उद्देश्य सीएम बनना है ना भाई, उनका उद्देश्य सीएम बनना है ना। वरना जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये आरोप लगाते थे कि जो सरकार बिहार में बांध बनाती है बाढ़ से बचाव के लिए, वही बांध चूहा खा जाता है। 1000 करोड़ रुपया गप पिछले 10 सालों में बिहार, देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग ना बिहार के मुद्दे को गलत दिशा में जोड़ रहे हैं, हम बिहार की रेगुलर बात नहीं कर रहे, जो जरूरी बात है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है, बिहार में अच्छी शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर बात कीजिए। क्या बिहार से सिर्फ और सिर्फ लोग नौकरी करने के लिए बाहर आते हैं? नहीं, आप मुखर्जी नगर में जाइए, एक पत्थर फेंक दीजिए किसी बिहारी को जाके लगे। बिहार से हैं तो आप वहां की दुर्दशा पे बताइए, लक्ष्मी नगर पे जाके लक्ष्मी नगर में जाके एक पत्थर उठा के फेंक दीजिए किसी स्टूडेंट को, लगेगा तो वो बिहार से ही निकलेगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम एक तरफ डिबेट को लेके जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में हम मेजर जो बड़े इश्यूज हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। होता क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो क्लास जो इन तरीके की जो एट्रोसिटीज हैं, इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ सकता है, वो आज बिहार में है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं वो। मेरा बस एक ही सवाल है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये सवाल किस पे खड़ा हो रहा है? इन घटनाओं सवाल मैंने पहले भी उत्तर दिया, मैं फिर उत्तर दे रहा हूं और दोबारा सुन लीजिए। इस चीज के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के कस्टोडियन हैं, वो बिहार के गार्जियन हैं, बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया, बिहार की जनता ने उन्हें जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम बनाया, बिहार की जनता ने उन्हें चारा चोरों को जेल भिजवाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, बिहार की जनता ने उन्हें बिहार की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज वो कस्टोडियन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच के लिए उन्हीं लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठा, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? अरे बिहार में तो जंगल राज था ना, हम आप और हम मानते हैं ना कि लालू जी के राज में जंगल राज था, मानते हैं ना, जनता भी कहती है, जनता भी मानती है। तुम तेजस्वी यादव जब पर्याय ही जंगल राज के हैं, तो उनसे सवाल क्यों? नीतीश कुमार से सवाल पूछना है, हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था ना, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोबारा अभी नहीं पता रहेगा तो देंगे क्या? वो तो हर एक बात पे तो हमने कह दिया ना कि इज अ नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, हमने आपको साफ साफ क्या कहा, इज अ नॉन सीरियस, नॉन की जनता के लिए कौन करेगा भाई? जब मुख्यमंत्री उनको चुन रहा है तो फिर ऐसे वो जब नॉन सीरियस पर्सन, ऐसा आप कह रहे हैं, चूंकि अभी एक पत्रकार और अभी बिहार से, फिर बिहार की जनता का देख रेख कौन करेगा? बिहार की जनता का देख रेख 2025 में जब चुनाव होंगे तो बिहार को एक नया कस्टोडियन मिलेगा, जनादेश मिला हुआ है, केंद्र सरकार जो है वो बिहार में किसी भी तरीके से, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, मैंने कहा ना कि जब बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा साथ में भी थे तो भी पर डे कितने मर्डर होते थे? 7। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है जो किसी ने रिपोर्ट किया है। आरटीआई एक्टिविस्टों की सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है? बिहार में। पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है? आप पता करेंगे जाके तो आपको नजर आएगा कि बिहार में ही होती है। सबसे ज्यादा ऑपरेशन कहाँ है? बिहार में। जातियों के नाम पे सबसे ज्यादा लड़ते कहाँ है? बिहार में। बीजेपी अब कह रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन उनके कहने से दे देंगे क्या? उनके कहने से दे देंगे क्या? बिहार के वो लीडर मुझे बताइए ना जो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, वो भी तो उनके साथ ही थे, तब भी तो होता था। हाँ, तब मैंने इसलिए संख्या आपको बताई है पहले कि 7 आधिकारिक रिकॉर्ड है, आज उससे बहुत ज्यादा हो गए। पत्रकार के तौर पे किस नजर से देखते हैं? देखिए सिंपल सी बात यह है कि बिहार में आर पार की लड़ाई होगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ही बिहार को या तो कंप्लीट जंगल राज मिलेगा या शायद अपनी छवि तेजस्वी यादव बदलें, वो लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल करें, अपने पुराने पापों से अपना छुटकारा प्राप्त करें, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर पॉलिटिक्स आपको करनी है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे। अच्छा, मेरे एक सवाल और है कि ऐसे पत्रकार की हत्या हो गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस पर चुप्पी साधे हुए, आखिर कब तक पत्रकार ऐसे मरे? जब तक जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप समर्थक हैं उसके कार्यकर्ता अपने नेता से सवाल नहीं पूछेंगे। ये यादव मरे हैं ना,
ठीक है, मैं जातिगत नाम ले रहा हूँ, यादव मरे है ना, यादव कहाँ हैं? उनको तेजस्वी यादव से सवाल पूछने चाहिए ना। नहीं तो भाई साहब एक बात मुझे बताइए कि आपके रहते हुए तो हम सुरक्षित रहने चाहिए थे, आपके रहते हुए हम सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर मुख्यमंत्री कमिटेड होंगे, मुख्यमंत्री जनता के साथ संवाद करेंगे, जनता की बात करेंगे, मुख्यमंत्री जनता के हितों का ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री ये ध्यान देंगे कि बिहार के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाएं, बिहार का विकास किस तरीके से किया जाए, तो अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएगा।